मूर्ख, चरण पकड़ने हैं तो जाकर श्री राम के चरण पकड़, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। मेरा पैर क्यों पकड़ता है? इतना सुनकर रावण लज्जित होकर सिंहासन पर बैठ जाता है एवं अंगद प्रभु राम के पास वापस आ जाते हैं एवं भगवान राम से कहते हैं कि मेरे समझाने पर भी रावण माँ जानकी को देने के लिए तैयार नहीं हुआ, अपितु युद्ध के अलावा कोई उपाय नहीं है तो सज्जनों बानर लंका पर चढ़ाई करते हैं। राम रावण युद्ध शुरू हो जाता है। बानर भालू राक्षसों को वृक्षों की तरह ढहाने लगे। यह देख रावण ने मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजा। तब बानरों में उथल पुथल मच जाती है। कैसे? देखा जब रणभूमि में बानर है लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। कहाँ हैं तीनों लोगों के प्रसिद्ध धनुर्धर राम और लक्ष्मण? कहाँ हैं नल और नील? कहाँ हैं? कहाँ हैं विद हनुमान और अंगद? आज रणक्षेत्र में सबका काल मेघनाथ आया है। आज्ञा दीजिए भैया, आज मेघनाथ नहीं या लक्ष्मण नहीं। शांत लक्ष्मण, शांत। यह शांत रहने का अवसर नहीं है भैया। नहीं लक्ष्मण, मैं शांत रहने को कहकर तुम्हारा उत्साह भंग नहीं कर रहा, बस केवल इतना सावधान कर देना चाहता हूँ कि आवेश और उत्साह में अंतर होता है। इसीलिए लक्ष्मण, सोच समझकर धीर गंभीर भाव से युद्ध करना। जाओ वीरवर, विजयी भव। जो आज्ञा भैया। अरे कहाँ है? अगर मुझसे इतना ही डरते हैं तो मुंह में तिनका दबा कर मेरी शरण में आ जाए। बढ़ बढ़ कर नाद मत कर मेघनाथ। आ गया तू, ले संभाल। के बाणों पे बाणों की झड़ी दो वीर रण में लड़ रहे। छोड़ा है रिपु ने अग्निशर अंगारे, नभ से गिर रहे। लक्ष्मण ने छोड़ा नीर सर तो अग्नि सर शीतल भये। सब भांति मानी हार रिपु ने ब्रह्म सर कर में लये। अब तो क्या किया मेघनाथ ने? के वीर घात नी छाड़े सीसानी, तेज पुंज लच मन उड़लागी। तो समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, हर्ष नाद कर आ गया मेघनाद तब पास। इंद्रजीत अपनी विजय का उपहार पिताश्री को स्वयं भेंट करेगा। इतने ही में उस जगह आधी बेग समान, रामादल से आ गए पवन पुत्र हनुमान। धरनी धर को हाथ लगाया तो धरती में समा जाओगे मेघनाथ। ये स्वयं धरती को अपने फन पर धारण करने वाले हैं। तुम जैसे पापी से कदापि नहीं उठ सकते। Hmph!
भैया लक्ष्मण। तो नवाकर सादर अपना शीश, चले लक्ष्मण को लेकर राम के सम्मुख आए। ओ देख मूर्छित लखन लाल को रघुनंदन अपनाए। समय लक्ष्मण जी की ऐसी हालत देखी, ऐसी दशा देखी, तो भगवान राम बहुत दुखी होने लगते हैं। हनुमान, मेरा लक्ष्मण, जो सदा मेरे सन्मुख आने पर खड़ा हो जाता था, आज मेरे ही सामने नैन मूंदे पड़ा है, यह कैसे हुआ भैया? प्रभु, धरनीधर जब धरती पर गिरे तो सूर्य चंद्र की गति थम गई। प्रभु के सुखेन वेद लंका में विख्यात है, सभी रोगों का वो तो विशेषज्ञ है। ओ पूर्ण परिचित हो लंका से जाए भई। वो न जाए जो लंका से अनभिज्ञ हो, लंका में रहने वाले राजवेश सुखेन को यहाँ बुलाया जाए तो संभव है कि वो कोई उपचार बता सकें, परंतु उन्हें लंका से लाना ही असंभव। असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। ए हनुमान, युद्ध भूमि में जहाँ एक ओर रथा सागर है, वहीं दूसरी ओर प्रबल शत्रु दल, उपाय करें भी तो कैसे? प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लेकर आऊंगा वैद्यराज को। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान, परंतु शत्रु के गढ़ में जा रहे हैं, हमें चिंता रहेगी, सावधानी से जाना हनुमान। जैसे प्रभु की आज्ञा। इतने में हनुमंत लाल जी कहने लगे कि मैं जाता हूँ। इस तरह बोल उठे हनुमान, और तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। जय श्री राम। लगता है वैद्यराज सो रहे हैं, जगा लेता हूं। नहीं हनुमान, यदि वैद्यराज ने जाने से मना कर दिया तो? हनुमान, ये समय सोचने का नहीं है, ले चलो पूरा घर उठाकर। हनुमान आंधी बेग के समान सुखेन वैद्य को सैया सहित रामादल में लेकर आ जाते हैं। सुखेन वैद्य लक्ष्मण की नाड़ी देखकर प्रभु राम से कहते हैं कि द्रोणागिर पर्वत पर संजीवनी नाम की बूटी है, यदि वह सूर्योदय से पहले प्राप्त हो जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। यह सुनकर अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी राम की आज्ञा लेकर चल देते हैं। रघुनाथ जी, हृदय पर गहरा आघात है, श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। फिर क्या होगा? मेरी वनस्पतियों में और जड़ी बूटियों में ऐसी कोई औषधि नहीं जिससे इनका उपचार हो सके। वैद्यराज,
इतने अधीर ना हो ये रघुनाथ जी, अधीर होने से रोगी की पीड़ा हरी नहीं जाती। यहां से हिमालय पर्वत जाना और सूर्य उदय से पहले वापिस आ जाना असंभव है, इसलिए बताने से क्या फायदा। अपने प्रभु के कार्य के लिए हिमालय तो क्या, कहिए तो संपूर्ण ब्रह्मलोक की प्रदक्षिणा करके रात रात में वापस लौटाऊं। आप वो दुष्कार्य बताइए तो सही। ये जितना साहस है तो सुनो हनुमान, कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच में दैवीय वन औषधियों का एक महापर्व, उसी पर पाई जाती है संजीवनी। यदि समय रहते मिल जाए तो मृतक के भी प्राण बचा सकती है। इस समय इसी संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, पर ध्यान रहे ये कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। हनुमान वैद्यराज, आपने उस बूटी की पहचान तो बताई नहीं। इन जड़ी बूटियों की सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशवान होना। ये दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय देवताओं को सागर से प्राप्त हुई थी और देवता स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। सुनो हनुमान, तुम बिना देवताओं की अनुमति के ये जड़ी बूटियां नहीं ला सकते, तुम्हारे जाते ही ये दिव्य औषधियां लोप हो जाएंगी। इसलिए हनुमान तुम इनके संरक्षक देवताओं से प्रार्थना करो, तुम्हारा काम धर्म के लिए है, देवता इसकी अनुमति अवश्य देंगे। जाओ हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी द्रोणागिर पर बूटी पहचान नहीं पाते तो पर्वत सहित उठाकर चल देते। इधर क्या होता है, जब हनुमान जी बूटी लेकर अयोध्या से निकले तो भरत ने दैत्य समझकर बाण चला दिया, तो हनुमान जी हा राम कहते हुए नीचे गिर पड़े। उनके मुंह से राम नाम का शब्द सुनकर भरत हनुमान के पास पहुंचकर कहने लगे, तुम वहां धैर्य और शीघ्रता से जाओ, तुम्हारा वहां शीघ्रता से पहुंचना अति आवश्यक है। भगवान राम लक्ष्मण का सिर गोद में रखकर विलाप कर रहे हैं। कहने लगते हैं भगवान राम के, भैया लक्ष्मण, हम तुम्हारे बगैर अयोध्या कैसे जाएंगे? जब वहां हमारी मैया पूछेगी तो हम क्या कहेंगे कि लक्ष्मण को हम कहां छोड़ आए? इतने ही में आ गए बूटी ले हनुमान, और हीरा मूर्छित लखन के लौटे फिर से प्राण। कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है वो मायावी? अरे मेरे धनुष और बाण कहाँ गए, कहाँ गए मेरे धनुष और बाण? भैया ये है तेरा धनुष और तू युद्ध भूमि में नहीं है। भैया आप यहाँ, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? भैया लक्ष्मण धीरज रखो, बहुत बड़ा संकट आया था। संकट? हाँ, मेरे भाई और रघुकुल पे आए संकट का निवारण संकट मोचन हनुमान ने किया। यहां जब रावण को पता चला कि लक्ष्मण मूर्छा से उठ बैठे तब तो वह बड़ा व्याकुल होने लगा, और व्याकुल होकर बड़ा दुखी होकर कुंभकर्ण के पास जाता है। जब कुंभकर्ण को जगा दिया, यहां कुंभकर्ण की जब नींद खुलती है और जब सामने रावण को देखा, कुंभकर्ण ने कहा, प्रणाम भैया, दीर्घायु भवा। भैया
मुझे किस कारण से जगाया गया है। हे तात, इस समय लंका संकट में आ गई है, इसलिए तुम्हें आ समय में ही जगाया गया है। कुंभकर्ण मेरे भाई, आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। कुंभकर्ण कहने लगा कि बाहे भ्रात बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। भैया, अब मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। जाओ कुंभकर्ण, विजय भवा, जय लंकेश। अब तो कुंभकर्ण जब युद्ध में पहुंचा, वहां जाकर भालू बंदरों को पकड़ पकड़ के खाने लगा, तब भगवान श्री राम क्रोधित होकर कुंभकर्ण के सामने मारने के लिए चल देते हैं। तब प्रभु को पति प्रसन्न दीना, भक्ति भिन्न तासु सग कीना। इस प्रकार भगवान श्री राम कुंभकर्ण को मारकर पृथ्वी का भार हरण करते। आप मुझे युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा प्रदान करें। मैं उन दोनों मानव राम लक्ष्मण के मस्तक को काट कर आपके चरणों में नाला दिया। तो मेरा नाम ही इंद्रजीत नहीं। पिताश्री, मुझे आज्ञा दे। जाओ इंद्रजीत, आज नई जीत का कीर्तिमान स्थापित करके लौटो। विजय भवा। जब रावण को ज्ञात होता है कि कुंभकर्ण मारा गया, तो वह क्रोधित होकर मेघनाथ को भेजता है। और बंधुओं, इधर लखनलाल जी भगवान राम से आज्ञा लेकर युद्ध के लिए चलने लगते हैं। बढ़ बढ़ कर नाद मत कर मेघनाथ। मेघनाथ की सिंहनाथ का परिणाम तो तू देख ही चुका है। कल बच गया, पर आज आज स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो तुझे नहीं बचा सकते। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है। मेघनाथ का मस्तक काटे बिना वापस मत लौटना। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा है घननाद का। लक्ष्मण ने ओ पहुंचाया रिपु को परम धाम, श्री राम नाम उच्चारण में। प्रतिशोध इंद्रजीत, तुम्हारे पद का प्रतिशोध तुम्हारा पिता लेगा। यहां जब कुंभकर्ण मेघनाथ का वध हो जाता है तो रावण स्वयं लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रावण खांडा फरसा लेकर, तोमर मुगदल लेकर, धनुआ लेकर राम रावण का युद्ध होने लगता है। जब राम रावण का घोर संग्राम होने लगा बंधुओं, राम ने कई बार रावण के सिर तथा भुजाएं काटी, परंतु सिर तथा भुजाएं फिर से पैदा हो जाती थी। यह देखकर भगवान बड़े चकित होते थे, तो विभीषण की ओर देखने लगे। विभीषण ने कहा कि भगवान, शीश बढ़ने की करिए न चिंता प्रभु, राम जी इस पर छाया मृत्युंजय की है। शीश इसने चढ़ाए महादेव को। सारी कृपा उन्हीं भोले शंकर की है।
जब विभीषण ने भगवान राम को बता दिया तो क्या हुआ बंधुओं, कि एक साथ छोड़े तभी प्रभु ने सर 31 वो अमृत सूखा नाभि का कटी भुजाए। प्रभु श्री राम उस पाप मूर्ति रावण का संहार कर पृथ्वी का भार हरण करते। अब तो नभ मंडल से जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वर्षा होती है। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, जब यह लीला हो चुकी तब बोले रघुराज के लखन विभीषण राज को राज तिलक दो आज। और लक्ष्मण जी ने वही किया, जाकर विभीषण को राज तिलक किया। यहाँ विभीषण ने क्या किया कि तभी सजा कर पाल की लाए लंकाधीश और बैठी उस पे मैथिली सुमिर कौशला। बंधुओं, जब लंका से मां जानकी जी आ जाती हैं, तो अयोध्या के लिए प्रस्थान जानकी जी सहित करते। लेकिन यहां पहले हनुमान जी भरत के पास संदेशा लेकर पहुंचते हैं। कहने लगे कि हे राजन सुनो ध्यान आठों पहर, रात दिन जिसका मन में किया करते हो। हे भरत जिनके दर्शन को प्यासे नयन आ रहे हैं, वो जिनको तड़पते हो तुम। इतने में बह पुष्पक विमान कुछ और समीप उतर आया, और जिसका था सबको इंतजार बह नभ से भूमि पर आया। के गुरु पद रज मस्तक चढ़ा भेटे सबके साथ, और गूंज रही थी अवध में जय जय रघुकुल नाथ। किया राजसी रूप में अनुजों ने श्रृंगार, और चले साथियों के सहित राम राज दरबार। वहां भगवान का राज तिलक होता है, भगवान राम सिंहासन पर बैठते हैं अयोध्या में। बंधुओं, तो विप्रों के बृंद उच्च स्वर में वेदों के मंत्र सुहाते हैं। तब राजा राम चंद्र जी को गुरुराज मुकुट पहनाते हैं। सिंहासन पर श्री रामचंद्र सानंद सुशोभित होते हैं। चंद्रभूषण पाठक पद रज ले प्रभु के चरणों को धोते हैं।